ही रहता है। पर इफ्तिखार ने जो चार छक्के मारे है ना दीपक, जी जी, मैच उन्होंने बना दिया था। इफ्तिखार की बैटिंग से इतना मैं इंप्रेस्ड। बट दोस्तों, इफ्तिखार अहमद ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ऐसी इनिंग खेल डाली जिसको क्रिकेट की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में इफ्तिखार अहमद ने छक्कों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिखार अहमद कीवी बॉलरों पर कहर बनकर बरसे। साल 2023 में इफ्तिखार अहमद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच में कीवी कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान को जीत के लिए 163 रन का हदफ दिया, जिसके टांकों में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। जब पाकिस्तान टीम को जीत के लिए आखिरी 8 ओवर में 100 रन दरकार थे, तब बैटिंग करने के लिए इफ्तिखार अहमद ने अपना लाठी चार्ज शुरू कर दिया और एक टाइम तो ऐसा आया कि इफ्तिखार अहमद ने मैच का पासा ही पलट दिया। जब पाकिस्तान टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 15 रन की जरूरत थी, तो इफ्तिखार अहमद ने पहली गेंद पर छक्का लगा दिया और अगली गेंद पर चौका लगा दिया। तीसरी गेंद इफ्तिखार अहमद से मिस हुई और चौथी गेंद पर इफ्तिखार अहमद आउट हो गए। याद रहे कि इफ्तिखार अहमद ने 24 गेंदों पर 60 रन की शानदार इनिंग खेली। इफ्तिखार अहमद की इस इनिंग में 7 छक्के और 3 चौके शामिल थे, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर पाकिस्तान टीम से 5 रन ना बन सके और यूं पाकिस्तान टीम 4 रन से ये मैच हार गई। लेकिन इफ्तिखार अहमद